हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी देखी थी। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कैसे आप आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो और उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी किस तरीके से आता है, फिर बाद में एक्चुअल व्हाट इज़ रिएक्ट, मतलब रिएक्ट क्या है, फिर बाद में उसकी डेफिनेशन देखी थी। रिएक्ट मतलब क्या है? रिएक्ट मतलब एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको आप आपके वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है, अगर आपको सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन अगर डेवलप करनी है, अगर आपको क्रिएट करनी है, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी इसमें डेवलप करनी है, तो आप यहाँ पे रिएक्ट ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में उसकी हिस्ट्री देखी थी, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसकी हिस्ट्री लर्न कर सकते हो और उसके एक्चुअली हिस्ट्री भी क्या थी, कैसे 2011 में रिएक्ट का जो फर्स्ट वर्जन है वो आया था, फिर बाद में फेसबुक कम्युनिटी ने कैसे रिएक्ट को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया, कैसे उसके अपडेशंस आए, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप उसके कैसे नए नए फीचर, नए नए कंपोनेंट उसमें अपग्रेड हुए, ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो आज हम ये वीडियो में इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ इसके स्टेप्स दिए हैं इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट के, मतलब अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ करते हो आपके लैपटॉप में, अगर आप आपके कंप्यूटर में भी यूज़ करते हो, तो आप कैसे ये स्टेप्स फॉलो करके आप आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कैसे आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे नंबर ऑफ स्टेप दिए, ये स्टेप आप फॉलो कीजिए और आपको आपका जो रिएक्ट फ्रेमवर्क रहेगा आप इजीली आपके कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 दी है, डाउनलोड दी नोड डॉट जी एस फ्रॉम द ऑफिशियल नोड वेबसाइट, लिंक गिवन बिलो। यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है, आपको सिंपली ये लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को कॉपी करना है, आपको न्यू टैब में जाके वहाँ पे वो पेस्ट करना है और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नोट डॉट जी एस या आपको आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में ये डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ये समथिंग 18.17 MB की ये फाइल रहती है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। और डाउनलोड होने के बाद में स्टेप 2 में यहाँ पे मैंने दिया है, रन द इंस्टॉलर द MSI फाइल यू डाउनलोडेड इन द प्रीवियस स्टेप। जो भी आप MSI फाइल डाउनलोड करोगे, मतलब MSI मतलब क्या रहता है दोस्तों, ये .exe फाइल रहती है, आप इसको exe भी बोल सकते हो, तो ये डायरेक्टली सेटअप रहता है। जैसे ही आप ये डाउनलोड करते हो तो आपको डबल क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली इसका जो सेटअप रहता है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है वो, और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। कुछ स्टेप आपको इसमें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि जो उसका पाथ रहेगा वो आपको कहाँ पे रखना है, फिर बाद में नेक्स्ट करने के बाद में कुछ परमिशन आपको अलाउ करने पड़ेंगे, वो अलाउ करने के बाद में फाइनली जो आपका रिएक्ट फ्रेमवर्क रहेगा वो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में वो जो नोड जीएस रहेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैंने स्टेप 3 भी दी है, आपको क्या करना है, फॉलो द इंस्टॉलेशन विजार्ड टू इंस्टॉल नोड डॉट जेएस एंड एनपीएम। मतलब जो भी इंस्टॉलेशन विजार्ड में जो भी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसमें भी जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी वो आपको फॉलो करने हैं, और नोड डॉट जेएस एंड एनपीएम आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वो इंस्टॉल कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने स्टेप 4 दी है, आपको क्या करना है, रिस्टार्ट योर कंप्यूटर लैपटॉप, यू विल नॉट एबल टू रन नोड डॉट जेएस अनटिल यू स्टार्ट कंप्यूटर लैपटॉप अगेन। अगर आपने ये जो नोड डॉट जी एस फ्रेमवर्क के जो नोड डॉट जी एस का जो सेटअप है अगर आपने वो डाउनलोड कर लिया, अगर आपने स्टेप भी फॉलो कर ली और वो इंस्टॉल सक्सेसफुली भी हो गया, फिर बाद में आपको क्या करना है, स्टेप 4 ये फॉलो करनी है। स्टेप 4 में यहाँ पे मैंने क्लियर में दिया है, आपको क्या करना है, रिस्टार्ट योर कंप्यूटर और लैपटॉप, मतलब जो भी आपका लैपटॉप रहेगा, जो भी आपका कंप्यूटर होगा वो आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट होने के बाद में जो ऑटोमेटिकली जो सेटअप रहता है वो सक्सेसफुली आपके लैपटॉप में और आपका जो कंप्यूटर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली उसमें वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बाद में आपको क्या करना है, सेटअप अप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, मतलब जो आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसका आपको सेटअप करना पड़ेगा। अभी आपको सेटअप करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप भी यहाँ पे मैंने दिए, वो स्टेप आपको सिंपली फॉलो करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे आपने नोड जीएस टू डाउनलोड कर लिया, आपने आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल तो कर लिया, अभी आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के
के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। वो स्टेप्स आपको सिंपली आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 दिए, इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, इजिएस्ट रिएक्ट इंस्टॉलर विदाउट फॉलोइंग कमांड। यहाँ पे मैंने एक कमांड दिए, आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपका जो CMD रहता है, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, जो भी आपका CMD रहता है, वो आपको CMD ओपन करना है। CMD ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एक कमांड दिए, NPM इंस्टॉल डैश जी, फिर बाद में क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। ये कमांड आपको आपके जो CMD रहेंगे उसमें आपको टाइप करनी है। टाइप करने के बाद में सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में ऑटोमेटिकली जो भी NPM का इंस्टॉलर रहेगा, जो भी आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और वो जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका जो पाथ रहेगा, आप जो भी प्रोजेक्ट पाथ दोगे, जो भी आप डायरेक्टरी का पाथ दोगे, वो आप वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप 2 भी दी है, लेट्स क्रिएट अ रिएक्ट यूजिंग फॉलोइंग कमांड। मतलब ये फॉलोइंग कमांड जो भी मैंने दी है, ये फॉलोइंग कमांड यूज करके आप आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में रिएक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे मैंने इसके कुछ स्क्रीनशॉट भी निकल के यहाँ पे मैंने दिए दोस्तों आपके लिए। आपको सिंपली क्रिएट डी डैश रिएक्ट डैश ऐप, फिर बाद में हेलो वर्ड, ये तो प्रोजेक्ट नेम हो गया। ये आपको सिंपली आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा वो यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, फिर बाद में हेलो वर्ड। जैसे ही ये टाइप करके आप एंटर करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा। आपको जो पाथ देना है, जैसे आप यहाँ पे मैंने एफ ड्राइव में यहाँ पे मैंने इसका पाथ दिया है, फिर बाद में आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपका ड्राइव खाली होगा वहाँ पे आप उसका फोल्डर का पाथ दे सकते हो। और यहाँ पे ये क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, फिर बाद में स्पेस दे के हेलो वर्ड, ये टाइप करके आप आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप दिए, नाउ स्विच द प्रोजेक्ट डायरेक्टली डायरेक्टरी। मतलब जो भी आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होंगी वहाँ पे आपको स्विच होना है। यहाँ पे स्विच होने के लिए आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे क्रिएट तो हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट तो हो गया, अभी प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद में जो भी हेलो वर्ड, जो भी डायरेक्टरी रहेंगे वहाँ पे आपको मूव होना है, वहाँ पे आपको स्विच हो जाना है। तो आपको इसमें करना क्या है, बस आपको जो भी आपने डायरेक्टरी का पाथ दिया है वो डायरेक्टरी के पाथ पे आपको मूव हो जाना है। तो यहाँ पे इसमें सिंपली यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट दिया है, तो स्क्रीनशॉट में यहाँ इन्होंने इंस्टॉल होने के बाद में एक लाइन भी दी है, जैसे कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग। आपको क्या करना है, मतलब टाइप करने से पहले, कुछ टाइप करने से पहले आपको सिंपली आपका जो डायरेक्टर का पाथ रहेगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो फोल्डर का जो भी पाथ रहेगा वो आपको पाथ में चले जाना है। मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको CD मतलब चेंज डायरेक्टरी कमांड ये यहाँ पे यूज़ करनी है। तो चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करने के बाद में आपको हेलो वर्ड स्पेस दे के टाइप करना है। तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आप डायरेक्टली आपके जो फोल्डर रहेगा, फोल्डर पाथ रहेगा, उसमें आप चले जाओगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया है, आपको CD हेलो वर्ड ऐसा टाइप करना है। तो ऐसा टाइप करने के बाद में आपका जो फोल्डर रहेगा, आपके जो डायरेक्टरी का पाथ रहेगा, तो आप यहाँ पे सीधा मूव हो जाओगे। फिर बाद में यहाँ पे मैंने स्टेप 3 भी दी है, आपको अभी क्या करना है, नाउ टाइप द फॉलोइंग कमांड इन ऑर्डर टू रन सर्वर। मतलब आपको ये कमांड यहाँ पे मैंने दी है, ये कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर रहेगा वो सर्वर ऑन हो जाएगा, वो सर्वर रन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, NPM स्टार्ट ये कमांड यहाँ पे आपको टाइप करके एंटर करना है। सिंपली आपको NPM स्टार्ट ये कमांड टाइप करनी है दोस्तों, और आपको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जो लोकल सर्वर रहेगा, जो भी रिएक्ट का लोकल सर्वर रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपके लैपटॉप के, आपके कंप्यूटर पे जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और उसमें आपके सामने ये विंडो यहाँ पे इस टाइप में ओपन हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट :3000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में आपके सामने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट रहेगा, रिएक्ट का जो भी UI रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको ये सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर सिंपली अगर आपके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे मैंने पाथ दिया है, आपको आपके ब्राउजर में जाके आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें आपको जाके http://localhost, फिर बाद में कोलन दे के 3000 आपको टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद में ऑटोमेटिकली आप ये पेज पे और ये आपके सामने
आपके सामने यूजर इंटरफेस आ जाएगा। तो इस टाइप में अगर आपको आपके वेबसाइट में रिएक्ट फ्रेमवर्क अगर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, आपको सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैंने दिए हैं दोस्तों, आपको बस इस स्क्रीनशॉट में दिए हुए कमांड को एज इट इज़ टाइप करना है। जैसे आप ये कमांड को एज इट इज़ टाइप करोगे, तो आपके सामने रिएक्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बाद में इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्रिएट प्रोजेक्ट करने के लिए आवे मैंने स्टेप अप रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे अगर आप रिएक्ट तो आपने npm तो इंस्टॉल कर लिया, npm Node.js तो आपने इंस्टॉल कर लिया। npm Node.js इंस्टॉल करने के बाद में अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए। आपको सिंपली ये स्टेप्स आपके cmd पे, मतलब आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा उसमें आपको फॉलो करने है, और ये फॉलो करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर रहेगा उसमें आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल भी हो जाएगा और यहाँ पे रन भी हो जाएगा। तो इस टाइप में आप आपके वेबसाइट में रिएक्ट फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सकते हो, और रिएक्ट जो आपका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा।